अस्मदाचार्य पर्यंता सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृतार्थोऽहं न संशय राधायशो मुखरमा खगावली के राधा विहार विपने रमता मनोमये जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय राधारमण सरकार की जय जय श्री राधे। दो क्षण पहले अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए मंगल में भगवान नाम कीर्तन कर लेते हैं। उसके पश्चात आज सप्तम दिवस विश्राम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए मीठी मीठी ताली सेवा के साथ मधुर कंठ के साथ भगवान नाम गुणगान कर लेते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गो राधे राधे गोविंदा
गोविंदा गोविंदा गोविंदा राधे राधे गोविंदा गाइए गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा बांके बिहारी लाल की दोनों हार ठगर कहे श्री राधे 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 गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा बोलिए भागवत भगवान की गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा 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 राधे 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 गोविंदा
गोविंदा गोविंदा गोविंदा राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा श्री 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 राधे राधे गोविंदा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधा हरण सर्व संकट हरण सर्व मंगल करण चिदाधार केवलाधार मीराता अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु गोविंद गोपाल प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जिनकी ये वाग में भक्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका श्रवण पठन मनन और चिंतन इस घोर कली काल में सर्वथा ही मंगलकारी है। आज मंगलमय कथा का सप्तम दिवस सर्वप्रथम उपस्थित भक्तगण शक्ति स्वरूपा माताएं व बहनें वरिष्ठ जन आदरणीय जन सहयोगी जन श्रोता बंधु जन स्वर्गीय श्री मोहन लाल मालवीय जी जिनकी पुण्य स्मृति में इस सुंदर आयोजन आज अपने सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहा है। परम आदरणीय शक्ति स्वरूपा श्रीमती मुन्नीबाई जी मालवीय जिनके विशुद्ध संकल्प के माध्यम से समस्त मालवीय परिवार के वैष्णव जन बंधुजन इस संकल्प को पूरा कर पा रहे हैं। मंचासीन हमारे आचार्यगण गंधर्वगण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस दिव्य आयोजन में जो लोग विगत 7 दिवस से अपनी उपस्थिति देकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज मंगलमय कथा का सप्तम दिवस है। किसी ने प्रश्न किया कि भागवत 7 दिनों की है और आज 7वां ही दिवस है, तो क्या आज भगवान की कथा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पूरी हो जाएगी? बोले नहीं। राम जी, भगवान की कथा कभी भी समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती। भगवान की कथा तो केवल विश्राम लेती है। आज यहां विश्राम ले रही है, कल कहीं और प्रारंभ हो जाएगी। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, अनंत कालों से चली आ रही है और अनंत कालों तक चलेगी। यही भगवान की कथा। एक छोटा सा मैं निवेदन करूं, ये शोर हो रहा है, इसको बंद कराओ, बाहर जाओ, कोई भी एक व्यक्ति जाइए, इसको बंद कराओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सप्तम दिवस की कथा में जैसे कथा का विश्राम दिवस है, ऐसे ही सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित के जीवन का भी आज विश्राम हो गया। तो शौनक जी सूत जी से अनंत कथाएं सुन रहे थे, नैमी शरण की भूमि पर हजारों सालों का जो सत्संग हो रहा था उसका भी विश्राम हो जाएगा। आज की कथा जीवन की बहुत महत्वपूर्ण कथा है और 7वें दिवस की कथा का इतना महत्व है कि 6 दिन तक अगर किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए, यही नहीं, शाम के समय जब वो बकरियों को लौटाने लगा, सुन रहे ना, शाम के समय जब बकरियों को वो लौटाने लगा,
तो 100 बकरियों में से एक बकरी जो नई नई बकरी थी उस झुंड में सम्मिलित थी, वो पत्ते खाने में इतनी मगन थी महाराज कि वो बाकी बकरियों के साथ जाना भूल गई। चराने वाला तो आगे आगे चला गया, सब बकरी भी चली गई, लेकिन वो 100वीं बकरी जो थी वो खाने में मगन। पर अंधेरा हो गया, जब इसका पेट भर गया तो इस बकरी ने चारों ओर देखा कि मेरे साथ की सब बकरियां तो चली गई। भ्रम मानस तस्त था, भ्रमित हो गई, इधर उधर घूमने लगी। अंधेरा हो गया महाराज, घनघोर जंगल में भयंकर जानवरों की आवाजें आने लगी, तो ये बकरी डर गई। अब इसने सोचा कि रास्ता तो मैंने देखा नहीं है, एक काम मैं समझदारी का करती हूँ कि पूरी रात यहीं कहीं छुप जाती हूँ, सुबह सुबह कल वो आएगा तो फिर चली जाऊंगी। आज बकरी का खबरदार मुझे खाए तो क्यों, बोले देख ले पहले मैं किसकी शरण में हूं, किसकी शरण में, अरे ये तो शेर के पंजे का निशान, हाँ अरे उसकी शरण में, हाँ तो चला जा। पड़ेगी बिना शरण के स्वतंत्र किसी भी जीव का कल्याण होगा नहीं, या तो भगवान शंकर की शरण ग्रहण कर लो, या राम जी की शरण ग्रहण कर लो, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लो। एक बात आपके जीवन में आप लोग गांठ बांध लीजिए, अगर आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, अगर आपने जीवन में किसी की शरण नहीं ली है, तो थोड़े दिन के लिए स्वतंत्रता आपको अच्छी लगेगी, बाद में यही स्वतंत्रता आपके लिए दंड बन जाएगी। इसलिए किसी की शरण ली, कोई मंत्र नहीं जानते तुम्हारे पास, कोई विधि विधान नहीं, कोई विधि नहीं जानते, तो एक बात याद कर लो, हरि शरण। कोई भी काम शुरू करो तो नियम बना लो कि सबसे पहले अपने मुंह से यही शब्द निकलेगा, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, की शरण ग्रहण नहीं करी है तो बात ऐसे हो जाएगी, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज केवल थोड़ी ही कथाएं भागवत की बची हुई, इन्हीं में से सार ग्रहण कर लो और एक बात को ले जाकर अपने जीवन में उतार लो, कल्याण हो जाए। किसी जंगल में एक शेर रहता था, गौ माता वहां पर चरते चरते जंगल में पहुंच गई, शेर उसको खाने के लिए दौड़ा, जान बचाने के लिए मैया मैया एक तालाब में कूद गई, परंतु वह तालाब नहीं वो दलदल था, दलदल में कूद गई, शेर भी उसको खाने के लिए उसके पीछे कूदा, इधर गौ माता उसमें धंसने लगी, इधर वो शेर धंसने लगा। गौ माता रोज जोर जोर से रभाने लगी कि मुझे कोई बाहर निकालेगा, मुझे कोई बाहर निकालेगा, और शेर प्रयास कर रहा कि मैं थोड़ा बहुत ही बाहर निकलूं तो इस गौ माता को मैं झपट लूं, खा लूं गैया को। इतनी ही देर में शेर ने उस गैया से पूछा, क्या तुमको लगता है तुम बच जाओगे? तो गैया मैया कहने लगी, अरे महाराज लगता तो मुझे ये, मैं भी नहीं बचूंगी, आप भी नहीं बचोगे, दलदल में हम दोनों धस जाएंगे, लेकिन मैं आवाज इसलिए लगा रही हूं कि अगर मेरा मालिक आसपास होगा तो वो आ जाएगा, और मेरा मालिक होगा इसलिए मैं आवाज लगा रही हूं। तुम तो शेर हो, चाहकर भी अगर तुम्हें कोई बचाना चाहेगा तो तुम्हारे स्वभाव के कारण तुमको बचाएगा नहीं, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो बचाने वाले को ही खा जाएगा। अपने जीवन में अपने जीवन को इतना भयंकर मत बना लीजिए, इतना दुस्तर मत बना लीजिए, ऐसा कोई काम मत कर लीजिए कि अगर आपको भगवान शरण देना भी चाहे, कोई आपके लिए कल्याण करना भी चाहे, तो डर के मारे आपका कल्याण ही नहीं कर पाए।
अपने जीवन में थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी मधुरता और थोड़ी सी विनम्रता लाइए कि जब कठिन समय आए तो लोग हमारे लिए भी खड़े रहें। और ये विनम्रता कहां से आएगी? बोले ये विनम्रता केवल और केवल ठाकुर जी से जुड़ने पर आएगी, क्योंकि धन से तो विनम्रता नहीं आने वाली। लोग कहते हैं ना, भैया ये तो गर्दन ऐसे उठा के चलते हैं, बड़े अभिमानी है। तो गांव के लोग कहते हैं कुछ नहीं, बस पैसा की गर्मी है। तो पैसा ज्यादा रहेगा तो शरीर में गर्मी रहेगी, और शरीर में गर्मी रहेगी तो तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे भेजे में भी बहुत गर्मी रहेगी। धन के विषय में कहा गया है, आप लोगों ने सातवीं आठवीं कक्षा में जितने लोग पीछे तक बैठे, चौथी पांचवीं भी पढ़े लिखे अगर लोग भी होंगे, कम पढ़े लिखे, तो भी उन्होंने ये वाली कहानी सुनी होगी, सिकंदर महान की कहानी। अलेक्जेंडर की कथा तो पढ़ी आपने। केवल 14 साल की उम्र में उसने 75% पृथ्वी को जीत लिया था, 75% दुनिया को जीत गया था, फिर भारत आया। लेकिन थोड़े समय के बाद महाराज उसको एक बीमारी हो गई, तो वैद्यों ने कहा कि महाराज अब आप ज्यादा समय नहीं जिंदा रहने वाले। तो उसने सोचा आप पूरा सम्राट बनने की जो मेरी इच्छा है उसको मैं छोड़ दूंगा। एक दिन बैठा था, बड़ी चिंता में था, उसने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया, मंत्री को भी बुलाया, कमरे में बैठा ला, ध्यान से सुनी, और उन मंत्रियों से एक बहुत आवश्यक बात कही कि जिस दिन मैं मर जाऊं तो मरने के बाद मेरी एक इच्छा पूरी कर देना, अभी लिख लो तुम लोग। मंत्री लिखने लगा, श्वास तो ठीक था नहीं उसका, खटिया पे पड़ा हुआ था, धीरे धीरे बोल रहा था। मंत्रियों ने पूछा, महाराज सिकंदर, हे सिकंदर महान, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ। तो वो कहने लगा कि जिस समय मैं मर जाऊं और मेरे शरीर को अर्थी पे रख के ले जाने लगे तो उस समय मेरे दोनों हाथों को यू बाहर निकाल देना, अर्थात मुझको बांधना मत। तो बांध के नहीं ले जाना, बोले नहीं, इतनी इच्छा बोली इच्छा, चले गए मंत्री। पर दो तीन दिन तक मंत्री सोचता रहा कि सिकंदर महान ने अंतिम इच्छा में यही चीज मांगी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों से बाहर निकाल दे अर्थी से। मंत्री ने चुपचाप रात में उस सिकंदर से जाके पूछा, महाराज एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अंतिम इच्छा आपकी किस प्रकार की थी, इसका अर्थ क्या हुआ। तो सिकंदर चुपचाप उसके कान में कहने लगा, ध्यान से सुन ली, कह सिकंदर ने अपने मंत्री के कान में चुपचाप दिया था, लेकिन वो बात हम सबके लिए और इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए राजा ने बता दी, जिसने 13-14 साल की उम्र कितनी होती है, इतनी उम्र में 75% पृथ्वी को जीत लिया, देशों को जीत लिया, सबको मार दिया, परास्त कर दिया, लेकिन वो अलेक्जेंडर या वो सिकंदर महान अपने मंत्री से कह रहा है कि जब मैं मर जाऊं, मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को अर्थी से बाहर इसलिए निकाल देना ताकि दुनिया वाली देख सकें कि मैं सिकंदर महान, जिसने बहुत कम उम्र में पूरी दुनिया को लगभग जीत ही लिया था, वो भी जब गया तो खाली हाथ गया, वो भी कुछ लेकर नहीं गया। महाराज धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे, पुराण का दिव्य श्लोक है, आज की कथा का मूल श्लोक मान लो, धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने और देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। मनुष्य जब मर जाएगा तो उसका धन पृथ्वी पर रह जाएगा, हाथी घोड़े गैया बैल पाले वो सब गौशाला में गोष्ठ में बंदे रह जाएंगे। जिस सुंदर पत्नी से उसने विवाह किया वो पत्नी भी कहां तक साथ जाएगी, बोले बस दरवाजे तक। जिससे वो 7-5 वचन में कह रहा था कि 7 जन्म साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो भी कहां तक गई, दरवाजे तक साथ गई, उसके आगे वो भी नहीं जा सकती। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, जब उसको ले जाए जाने लगा तो सगे संबंधी कंधे पर रख के ले जाते ना, तो क्या वो लोग उसके साथ गए, चिता पे रख के वो भी पीछे हट गए। तो उसने सोचा चलो कोई नहीं गया तो ये मेरा सुंदर शरीर जिसको मैं जीवन भर सजाता रहा वो मेरे साथ जाएगा, लेकिन वो भी चिता तक रह गया, अग्नि दी राख के ढेर के साथ वो भी परिणित हो गया। अंत में क्या गया, बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एका, जो धर्म कर्म आप अपने जीवन में कर रहे हैं यही धर्म कर्म आपके साथ उस लोक में जाएगा, और कुछ आप अपने साथ नहीं ले जाने वाले। कोई ले जा सके तो बताओ, रुपया पैसा की बात करते हैं, एक तिनका भूसे का घास का तिनका कोई नहीं ले जा पाया आज तक, भगवान बता रहे। शरीरम स्वरूपम, आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशचारु चित्रम हरे रंग पद में मनश्चयन लग्नम
ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आप कितने सुंदर हो, बला के सुंदर हो, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, आपके पास इतने जोड़ी कपड़ा हो कि एक बार जिस कपड़ा को आप पहन लें दोबारा उसको हाथ नहीं लगाते, इतने कपड़ा भी। आपके पास इतना धन हो कि बड़े बड़े उस धन के पहाड़ बना दिए जाए तब भी कमी नहीं। यशस्य चारुचित्रम, समाज में जहां आप जाते हैं लोग आपके पैरों में गिरते हैं, हर जगह आपकी जय जयकार होती है, लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर आपका मन एक क्षण भी भगवान के चरणों में नहीं लगता तो ये सब होने से ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इस सबसे क्या, इस सबसे क्या, इस सबसे क्या, इस सबसे क्या, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा। इसलिए अपने जीवन का लाभ मान लीजिए। जिस क्षण आपको यह अवसर मिल जाए कि हम यहां से निकल रहे थे, मंदिर के सामने से निकल रहे थे, कथा के कुछ शब्द हमारे कानों में पड़ गए, तो समझ लीजिए आपको भगवान ने अपना कल्याण करने का अवसर दिया है। बहुत गई थोड़ी रही, कितनी कितनी उम्र बची आप लोगों की बता सकते हैं? 40 वाले बैठे हैं तो कितनी बची होगी? देखो 60 कह रहे हैं, माने इनको मालूम है कि हम 100 जिएंगे। अरे हम खुद की उम्र नहीं मालूम, किसी को किसी की उम्र नहीं मालूम, कौन सा क्षण अंतिम हो, जितना बीत गया ऐसे ही पूरा मान लें। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, और काल चिड़ैया चुग रही निस दिन आयु खेत। रोज एक एक चिड़िया इसमें से एक एक दाना ले रही है और आयु कम होती जा रही है, लेकिन हमारा मन तो धन में लगा है, धन जुड़ने में लगा। भारतवर्ष में हम रह रहे हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भारतवर्ष में अगर कोई भयंकर महामारी भी आ जाती है तो धन के लोभी इतने लोग हैं कि उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं। कोरोना आया तो जहां अन्य देशों में एक दूसरे की सहायता हो रही थी, यहां लूटा जा रहा था डॉक्टरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे देश की भांड मीडिया, जो मीडिया हमारे धर्म को नाली में ले गई, ऐसी मीडिया कि जो लोग स्वस्थ भी थे वो मीडिया के चैनल देख देख के घबरा कर, आधे ज्यादा लोग तो घबरा के मर गए। क्या कोरोना समाप्त हो गया? क्या तुमने उस पर विजय पा ली? लेकिन वो समाचार नहीं दिखाए जा रहे, वो माहौल अभी बनाया नहीं जा रहा है। जिस दिन माहौल बनाया जाएगा ये सब फिर बंद हो जाएगा। अपनी बुद्धि में एक बात ध्यान रख ली, मनुष्य को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई भी परास्त नहीं कर सकता जब तक मनुष्य अपने मन से नहीं हार जाए। मन से जो हार जाए तो उसको कितनी दवाई लगा लो, कितने हुआ को इलाज करा दो, उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। अपने मन को मजबूत रखिए, और मन कैसे मजबूत होगा, जब ठाकुर जी के चरणों में लगा होगा। कमजोर कौन है जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया? जिन्होंने धन को महत्व दिया तो वो कागज के टुकड़े क्या किसी को बचा पाए? नहीं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दिन रात घर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब करते हैं, दिन रात आ जा रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? बोले कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं वो लोग भगवान से कहीं ना कहीं जुड़े थे और उन्हीं भगवान ने उनकी रक्षा की है। पैसे के विषय में कहावत है ना, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहां को जमाई है। पैसे से ही यार पास, पैसे से ही बंधु पास, पैसा बिन देख नहीं करते सगाई है। और कहत गरीब दास पैसा तुम राखो पास, या पैसे के बिना मनुष्य ने लकड़ी नहीं पाई है। अंतिम संस्कार में भी देखा जाएगा आप पे कितना धन है। वो इतने बड़े आदमी थे, वो इतने बड़े नेताजी थे, वो इतने बड़े अभिनेता थे, तब भीड़ होगी। धन को महत्व देना बंद कर दीजिए और अपने परम धन केवल अपने भगवान को मानिए। भगवान जिसके पास है उसके पास सब कुछ। कल आपने सुना ना, कल की मंगल में कथा कहां विश्राम करी थी? कल तो मंगल के साथ ही कथा का मंगल में विश्राम हुआ था, जिसका नाम था रुक्मिणी मंगल। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ लाल की। रुक्मिणी जी ने मन में संकल्प कर लिया कि पति रूप में मैं श्री कृष्ण को ही प्राप्त करूंगी, सो भगवान हरण करके ले गए। और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था, यहां से सुनिएगा, कि भगवान ने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया था? तो यहां सुखदेव भगवान ने सुना दिया, राक्षस विधि से नहीं किया था, रुक्मिणी जी की इच्छा से ही भगवान ने उनका हरण किया, द्वारका में लाकर वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया, और यही था भगवान का पहला वैदिक विवाह।
पहला विवाह हुआ। विवाह के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया, विवाह संस्कार भी, पाणी ग्रहण संस्कार भी जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार है। समाज में आज के समय में आधुनिकता के बढ़ते हुए इस दौर में हम लोग देख रहे हैं, अन्यथा नहीं लीजिएगा इस बात को, लेकिन पुराण में जो लिखा है मुझे तो वो कहना है, अपने वर्ण से हटकर अगर कोई लड़का या लड़की विवाह कर लेता है, अपने वर्ण से हटकर, ब्राह्मण ब्राह्मण में ही करे, क्षत्रिय क्षत्रिय में ही करे, वैश्य वैश्य में ही करे, और चतुर्थ वर्ण चतुर्थ वर्ण में ही करे, अपने वर्ण से हटकर अगर कोई मनुष्य विवाह कर लेता है तो यह विवाह उसके लिए कल्याणकारी नहीं होता है। सुन लीजिए क्यों, गीता जी में प्रथम अध्याय में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे भगवान श्री कृष्ण, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा क्यों, तुम्हारा तो धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना है, जो क्षत्रिय युद्ध से पीछे हट जाए वो नरक जाता है, तो युद्ध तो करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो लोग गीता जी का पाठ करते हैं उस श्लोक को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे अगर मैंने युद्ध किया और बहुत सारे सैनिक मारे गए तो उन सैनिकों की पत्नियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा हो जाएंगी कम उम्र में तो वो अन्य किसी समाज में विवाह करने लगेंगी, क्योंकि जीवन यापन तो करना है, बच्चों का पालन तो करना है। संकरो नरकायव कुलग नानाम कुलस्य, सुन रहे हैं, उनसे जो उनकी संतान उत्पन्न होगी तो वो वर्ण संकर होगी, वो शंकर संतान होगी, और वर्ण संकर अगर संतान उत्पन्न होगी, जाति से अलग अगर विवाह कर लिया तो वो संकर संतान किसी प्रकार का धर्म नहीं कर पाएगी। आप लोग रोज सुबह पूजन करते हैं तो पूजन में सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा संकल्प बोला जाता है, और संकल्प में हम क्या बोलते हैं, ओम विष्णु रविष्णु रविष्णु अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नामोहम, आचार्य लोग रोज बोलते ना, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जो ब्राह्मण है वो अमुक शर्मा हम, जो क्षत्रिय है वो अमुक वर्मा हम, जो वैश्य है अमुक गुप्तो हम, और जो चतुर्थ वर्ण है वो दासो हम बोलते हैं। लेकिन विचार करिए अगर कोई संतान वर्ण संकर है, कोई पुत्र ऐसा है कि उसके पिताजी ब्राह्मण है लेकिन माता चतुर्थ वर्ण है, तो वो संतान संकल्प लेते में क्या बोलेगी, ना तो वो शर्मा हम बोल पाएगी, ना वर्मा हम बोल पाएगी, ना गुप्तो हम बोल पाएगी, ना दासो हम बोल पाएगी, अर्थात संकल्प ही नहीं हो पाएगा, और संकल्प नहीं होगा तो तुम्हारी खाक पूजन हो पाएगी, बिना संकल्प के पूजन नहीं होगा। एक बात मैं सदैव कहता हूं, जो मुझे लगता है, जो मेरा विचार है, हो सकता हूं मैं गलत हूं, पर आप उस पर विचार करिए, समाज में अगर हम लोगों ने अपने यहां पर अपनी रोटी और अपनी बेटी को बचा लिया तो समझ लो तुमने अपने धर्म की रक्षा कर ली है। अब के समय में ना रोटी बच रही है ना बेटी बच रही है, रोटी भी हमारी अशुद्ध हो गई, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, इसका भी हमको ध्यान नहीं। लव के नाम पर, प्रेम के नाम पर हम विवाह तो कर लेते, अगर आप कर रहे हैं विवाह तो कीजिए, लेकिन अपने वर्ण में विवाह कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हो गया, आश्रम में प्रवेश कर गए, रुक्मणी जी अंतर्वती हुई, गर्भवती हुई, गर्भ में एक बालक आ गया, ये बालक कौन था ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में आपने सुना होगा कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, कामदेव तो भस्म हो गया, कामदेव की पत्नी रति देवी रोती रोती शंकर जी के पास पहुंची, प्रभु मेरे पति का शरीर ही नहीं बचा, अब मैं किन के साथ रहूंगी, तो शंकर जी ने कहा शरीर भले ही नहीं बचा पर देवता कभी मरते नहीं है, कहीं ना कहीं वो घूम रहा है, बिना अंग के घूम रहा है, इसलिए उसका नाम अनंग होगा। कहने लगी नहीं, मेरे पति का शरीर मुझे चाहिए, तो शंकर जी ने कहा इस अवतार में तो नहीं, कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जो प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म होगा वही तुम्हारे पति होंगे। प्रद्युम्न जी महाराज रुक्मणी जी के गर्भ में आ गए, यहां एक संबरासुर नाम का दैत्य था, इसको वरदान था कि पूरे ब्रह्मांड में इसको कोई मार नहीं सकेगा, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं मार पाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न इसको मारेगा। प्रद्युम्न जी रुक्मणी जी के गर्भ में आई, संबरासुर को मालूम चला कि बालक का जन्म हो गया, कुछ ही दिनों के बाद वो संबरासुर जहां रुक्मणी जी उस बालक को लेकर सोती थी प्रद्युम्न को, उठाकर ले गया, आकाश में उड़ाकर ले जाने लगा और समुद्र में फेंक दिया। इसने सोचा कि कहीं कोई मछली इसको खा लेगी तो मर जाएगा। एक बड़ी सी मछली ने प्रद्युम्न जी महाराज को निगल लिया, एक मछुआर ने उस मछली को पकड़ा, बाजार में बेच दिया,
और खरीदा किसने? बोले संबरासुर के रसोइये ने इस मछली को खरीद लिया, और खरीद करके जब घर में ले गया, मछली के पेट को फाड़ा, तो वो प्रद्युम्न जी महाराज संबरासुर के यहां पहुंच गए। अपनी मौत से कोई नहीं बच सकता, भगवान ने कहा विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, होके ही रहेगा। आप कभी विचार करो कि घर के सामने से बिल्ली रास्ता काट गई, 10 मिनट बाद रुके, कोई चीज रुक जाएगी नहीं, बिल्ली तो संकेत दे गई है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, तुम रुको या जाओ। उस समय भगवान का नाम लेके आगे बढ़ो, फिर जो भगवान की इच्छा हो। तो संबरासुर ने सोचा कि मैंने तो मार दिया, और उसकी रसोई में जो साफ सफाई का काम करती थी एक देवी, वो रति देवी ही थी जो मायावती के नाम से उसके यहां काम कर रही थी। प्रद्युम्न जी को पेट में से, मछली के पेट में से निकाल लिया और स्नान ध्यान करा के उस बालक का पालन पोषण चुपचाप करने लगे। बालक बड़ा हो गया तो माता की तरह इसने पालन पोषण किया और पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी। तो प्रद्युम्न जी ने कहा, पालन पोषण तो तू माँ की तरह करती है लेकिन व्यवहार पत्नी की तरह करती है, तू कौन है? तो बता दिया कि मैं आपकी पत्नी हूं, आप पूर्व जन्म में कामदेव थे, इस जन्म में प्रद्युम्न है, मैं रति थी और इस जन्म में मायावती हूं, मैं ही आपकी पत्नी हूं। संबरासुर को पता लगा, युद्ध करने आया, प्रद्युम्न जी से युद्ध हुआ और संबरासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रद्युम्न जी महाराज ने मायावती से विवाह किया, द्वारका लौटे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि प्रद्युम्न जी महाराज हूबहू भगवान श्री कृष्ण जैसे ही दिखते थे, कोई अंतर नहीं। एक बार प्रद्युम्न जी महाराज जब मायावती के साथ लौटे तो रुक्मणी जी ने देखा और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, ये तो तुम्हारे जैसा दिखता है, आज अगर मेरा बेटा प्रद्युम्न जीवित होता तो बिल्कुल इसके जैसा होता। नारद जी प्रकट हो गए, कहने लगे इसके जैसा नहीं होता, यही तुम्हारा बेटा है, अकेला गया था, बहू लेकर आया है। सुप्रद्युम्न जी महाराज आ गए, बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की। प्रद्युम्न जी महाराज आए, द्वारका में रहने लगे। एक बात बताइए, अगर किसी का विवाह हो जाए, उसके बच्चे हो जाए किसी पुरुष का, तो सभ्य समाज में क्या वो विवाह कर सकता है फिर से? बोले नहीं, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब काय कम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह हो गया, बेटा भी हो गया प्रद्युम्न जी महाराज, और अब भगवान के विवाह प्रारंभ हुए हैं। एक दिन की बात है, सत्राजित नाम का एक क्षत्रिय था, ध्यान से सुनिएगा, सत्राजित नाम का एक क्षत्रिय राजा था। सूर्य नारायण भगवान की बहुत उपासना करता था और सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसको एक मणि प्रदान करी थी जिसका नाम था स्यांतक मणि। देखिए, इस जगत में दो ऐसे भगवान हैं जो प्रत्यक्ष हैं, दो या तीन मान लीजिए, कौन कौन से? पहली है गौ माता, जो भगवान के समय भी वैसी की वैसी थी और आज भी वैसी की वैसी है। और आज पांडाल में जब हम आए और ऊपर मंच पर बैठे तो बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई कि पांडाल में आज पीछे काली गैया मैया बैठी है, श्री ठाकुर जी ही बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपके बड़े भाग्य हैं। हम लोगों में कहा जाता है कोई काम करो दूध पीती हुई गैया का दर्शन हो जाए, या किसी काम को पूरा करो तो काली गैया का दर्शन हो जाए, तो वो काम बड़ा सुंदर माना जाता है। और आज पांडाल में श्री ठाकुर जी विराजमान गैया के स्वरूप में है, बड़ा मुझे सुंदर लगा कि इस तरीके से आना पांडाल में, गैया मैया उठे नहीं, ना उसको उठाना ना भगाना। बोलिए यज्ञेश्वरी गौ माता की। तो क्या निवेदन कर रहे थे? भगवान के विवाह के विषय। सत्राजित नाम के राजा ने सूर्य भगवान का पूजन करा, तो पहली प्रत्यक्ष भगवान है गौ माता और दूसरे प्रत्यक्ष भगवान है सूर्य नारायण, जो आज तक नहीं बदले, सृष्टि के प्रारंभ में जैसे थे वैसे के वैसे थे। आप लोग शंकर जी के मंदिर में जाओ, देवी जी के मंदिर में जाओ, तो कभी ऐसा हुआ कि जल चढ़ाया और शंकर जी त्रिशूल लेके आ गए और आपको प्रसाद दिया? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। देवी जी के मंदिर में आओ तो देवी जी ने शेर पे बैठे दर्शन दे दिए। लेकिन सूर्य नारायण भगवान तो ऐसे हैं, रोज सुबह तुमको साक्षात दर्शन देते हैं, ये प्रत्यक्ष देवता है। जो मनुष्य अपने जीवन में रोग से बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा रोग शरीर में हो, माताओं के शरीर में बहुत रोग हो, वात हो, शीत हो, कष्ट हो, तो उन लोगों को रोज सुबह सुबह उठ करके एक नियम कर लेना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। मकर संक्रांति से लेकर 6 महीना, 14-15 जनवरी से लेकर 6 महीना माने जब तक उत्तरायण चलता है, तब तक एक तांबे के लोटे में हल्दी डाल करके हल्दी मिले जल से तांबे के बर्तन में सूर्य अर्घ देना चाहिए। कोई भी रोग अगर शरीर में आ गया है कम आयु में आपको, कि जो आपके शरीर को परेशान कर रहा है, रोग से छूट जाएंगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आरोग्य प्रदान करने वाले हैं।
सूर्य को अर्घ देने की भी विधि है। सुबह सुबह अर्घ दें तो खड़े होकर के 3 बार अर्घ देना चाहिए। कितने बजे अर्घ देना चाहिए? जिस समय सूर्य उदय हो रहे हैं और मनुष्य अगर उनको अर्घ देता हुआ मिलता है, दर्शन देता है, तो सूर्यनारायण भगवान उसको निरोगी कर देते हैं। सुबह सुबह अर्घ दें तो ब्राह्मण जो शरीर है उनको गायत्री मंत्र से अर्घ देना चाहिए। और जो लोग ब्राह्मण शरीर ना हो, माताएं हो, स्त्री शूद्र तुज बंधुनां त्रयीना श्रुति गोचरा, उन लोगों को ओम घृणी सूर्याय नमः क्या बोलेंगे? ओम घृणी सूर्याय नमः, या अपना गुरु मंत्र हो, से 3 बार अर्घ दें। अर्घ देते समय सीधे पैर की एड़ी थोड़ी उठी होना चाहिए, सीधे खड़े होकर अर्घ नहीं देना चाहिए, थोड़ी सी एड़ी को उठा के अर्घ दें। अर्घ देने के बाद सूर्यनारायण को नमस्कार करना चाहिए। सुबह का नमस्कार सूर्य को ऐसे होता है, दोपहर के समय अगर अर्घ दे रहे हैं 12 के बाद तो एक बार में ही पूरा अर्घ दे देना चाहिए, और शाम के समय अर्घ देते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पालती मारकर बैठकर बैठे बैठे अर्घ देना चाहिए। सुबह का प्रणाम ऐसा देख लीजिए, शाम दोपहर का प्रणाम ऐसा, और शाम का प्रणाम सूर्य को ऐसा करना चाहिए। सूर्य को ऐसा नमस्कार नहीं होता, 3 नमस्कार होते हैं, तीनों नहीं कर पाओ। ये तीनों तो हम लोग ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदन करें, आप लोगों को कितनी छूटती भगवान, हम लोगों को कितना सिरदर्द है। सुबह 4:30 बजे से उठो, ये नियम वो नियम, पर जनेऊ का नियम, ग्रहण लग जाए तो और नियम, कोई सूतक पातक हो जाए तो नियम, 12 बजे का ये नियम, भोजन अगर इस दिशा में कर लिया तो नियम, चोटी नहीं खोल पाए तो नियम, बस ट्रेन में चले गए तो जनेऊ बदलो, ये करो वो करो, किससे बात कर ली, किसी से बात कर ली, कोई मुसलमान से कोई मिलेच्छे से बात कर ली तो ये नियम, लेकिन आप लोग कितनी छूट, लोटा लो और लेकर के बस ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः, और खाओ पियो सोचा। ब्राह्मण तो दिन में सो भी नहीं पाते कि 12 बजे फिर माला लेके बैठे, 5 बजे गए तो फिर माला लेके बैठे, नहीं बैठेंगे तो तुम जो हमारे पैर पड़ते तुमको पुण्य कहां से मिलेगा। भगवान ने इतनी सुविधा दी है, सूर्य नारायण को नमस्कार करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके समस्त रोग छूट जाएंगे। अपने घरों में बच्चों को कुछ सिखाओ चाहे मत सिखाओ, लेकिन तुलसी में जल देना, गाय को रोटी देना और सूर्य को जल देना सिखा दो, बच्चे का जीवन का कल्याण हो जाएगा, बुद्धि में भी तीक्ष्ण हो जाएगा और जीवन में थोड़ी सी उसकी विनम्रता भी आ जाएगी। सूर्यनारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता है, एक गौ माता, एक सूर्य नारायण, और तीसरे देवता हैं साक्षात हमारे माता पिता, ये भी साक्षात भगवान हैं, जिनको भगवान श्री राम भी प्रणाम करते थे कि प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता को, मात पिता गुरु ना भाई नाथा, ना भाई माता। सबसे पहले जो मनुष्य उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है, फिर वो भले ही स्नान ना करे, भले ही कोई तीर्थ ना करे, भले कोई जप ना करे, लेकिन जैसे भगवान श्री गणेश ने, गणपति जी ने परिक्रमा करके इस जगत में प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त कर लिया था, ऐसे ही वो मनुष्य जगत में पूज्य हो जाता है। कोई भी काम करो अपने माता पिता के चरणों में सर रख के प्रणाम करना चाहिए, गुरु के चरणों में सर रख के प्रणाम करना चाहिए, गौ माता को प्रणाम करना चाहिए और सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य निरंतर सूर्य का पूजन करता है, सूर्य को अर्घ देता है, ध्यान से सुन ले, सूर्य को अर्घ दे, सूर्य का पूजन करे तो सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर उसको गणेश जी की भक्ति में लगा देते। जो मनुष्य पूरे मन वचन कर्म से गणेश जी का पूजन करता है तो गणेश जी उठा करके उसको देवी जी के पूजन में लगा देते। देवी जी का खूब मन वचन कर्म से पूजन करोगे तो देवी जी उठा करके उसको शंकर जी के पूजन में लगा देंगी, और शंकर जी का पूरे मन से पूजन करोगे तो उठा करके वो आपको राम जी के चरणों में लगा देंगे। यही सभी देवताओं का पूजन का फल है। सूर्य नारायण भगवान का ये राजा सत्राजित पूजन करता था। एक मणि यहां पर उस राजा को दे दी, और वो मणि ऐसी थी सूर्य नारायण भगवान ने जो दी थी कि रोज सुबह इस मणि का ये पूजन करे तो पूजन के बाद जैसे ही आसन से उठे तो वो मणि 8 भार सोना देती थी। एक भार में लगभग 64 किलो सोना होता है, तो 8 भार में लगा लो कितना होता है, इतना सोना वो मणि देती थी। सत्राजी तो उसको गले में टांग के घूमे। यहां महाराज जब वो इस प्रकार घूमने लगा, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन ये मणि आप हमको दे दीजिए या मणि से उत्पन्न होने वाला सोना दे दिया करो, तो सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में उस मणि को पहन कर गया कि हम अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ जाएंगे शिकार खेलने और वहां पर मणि को पहनकर घूमेंगे तो अच्छा लगेगा, तो मणि पहन के चला गया। शेर ने प्रसेन का शिकार कर लिया और शेर का भी शिकार एक रीछ ने कर लिया, उस मणि को लेकर भाग गया। यहां जब सत्राजित ने देखा मणि मेरे गले में नहीं है,
घर में भी नहीं है, तो उसने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि ये मणि कहीं भगवान श्री कृष्ण ने तो नहीं चुरा लिया। कल्पना करिए, जिस समय भगवान श्री राम और श्री कृष्ण थे उस समय भी ऐसे लोग थे जो भगवान पर भी आरोप लगा देते थे, तो आपकी और हमारी क्या औकात। अच्छा काम करो और कोई लोग टोक लगाए तो समझ लो ठीक कर रहे। पूजन पाठ आप करने लगी, व्रत करने लगी, कुछ आयोजन करने लगी, और फिर देखिए जब आप कोई टोक लगाए तो उस टोक को सुनकर रुकिए मत, ये विघ्न तो जीवन में आना ही है। भगवान के जीवन में उनको आरोप लगाने वाले कोई कम नहीं थे, तो हम लोग क्या साधारण इंसान। भगवान पर और आरोप लगा, इन्होंने मणि चुराई है, भगवान ने सभा का त्याग कर दिया। संसद तो आप सभी जानते ना, टीवी में देखा होगा, दूरदर्शन में संसद, तो संसद जैसी सभा में भगवान बैठे थे, लेकिन भगवान पे आरोप लग गया, भगवान को अपने स्वाभिमान की चिंता थी, भगवान ने सभा का त्याग कर दिया और बोले मणि को वापस लेकर लौटूंगा तभी सभा में आऊंगा। तो आज के नेताओं को उससे सीख लेना चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं ना, संसद में जूता भी चल जाते हैं तब भी नेता कुर्सी नहीं छोड़ते, क्यों? बोले मान सम्मान है, कुर्सी नहीं जाना चाहिए हमारा। लेकिन भगवान ने सभा का त्याग किया और जंगल की ओर चले गए। वहां प्रसेन के शरीर को देखा, प्रसेन तो मर गया, मरे हुए शेर को देखा और एक रीछ के पैरों के निशान का पीछा किया तो गुफा में पहुंच गए। उसी गुफा में एक कन्या उस श्यांतक मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि लेना चाहा तो वो कन्या रोने लगी। वो कन्या जब रोने लगी तो उसके पिताजी जो रीछ थे वो वहां पर आ गए। भगवान से कहने लगे, मणि लेना चाहते हो तो पहले मुझसे तुम युद्ध करो, युद्ध करके मुझे परास्त करो तब मणि दूंगा। तो यहां पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बताने लगे कि ये रीछ कोई और नहीं, इस रीछ का नाम था जांबवान। राम अवतार के जो जांबवंत जी थे वही कृष्ण अवतार में जांबवान हुए। कथा सुन लीजिए, नहीं क्यों हुए कृष्ण अवतार में और भगवान से लड़ना ही क्यों चाहते थे। देखिए, राम अवतार में चार ही लोग ऐसे थे जो भगवान श्री राम के साथ उनके धाम नहीं जा पाए। जानते हैं कौन कौन? पहले थे महाराज विभीषण। विभीषण भी भगवान के साथ नहीं जा पाए, क्यों? क्योंकि विभीषण के मन में इच्छा थी मुझे लंका का राज्य मिल जाए, तो राज्य की इच्छा के कारण नहीं जा पाए। दूसरे थे एक द्विविध नाम का बंदर था तो राम जी की तरफ से, लेकिन कुछ उद्दंड था, राम जी इसको कुछ विशेष पसंद नहीं करते थे, तो राम जी ने अपनी सेना में से इसको भगा दिया। बाद में रावण की सेना मिल गई, आज की कथा में आगे बलदाव जी इसको मार देंगे। तीसरे थे महाराज हनुमान जी महाराज, ये भी राम जी के साथ नहीं जा पाए। हनुमान जी क्यों नहीं जा पाए? हनुमान जी इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हनुमान जी की भी एक इच्छा थी। राम जी ने जब कहा कि हनुमंत हमारे साथ तुम्हें साकेत धाम चलना है, तो हनुमान जी तैयार तो हो गए, लेकिन हनुमान जी ने प्रश्न किया, प्रभु जहां आप हमको ले जाना चाहते हैं वहां पर क्या आपकी कथा मिलेगी? क्या मिलेगी? कथा। तो राम जी ने कहा वहां कथा नहीं मिलेंगे, वहां तो पूरे हम ही मिलेंगे। तो बोले नहीं प्रभु, ये जरूरी नहीं कि जहां पर आप रहते हो वहां पर कथा होती हो, लेकिन ये आवश्यक है, ये देखा जाता है कि जहां पर कथा हो रही होती है वहां आप जरूर रहते हैं, इसलिए अगर साकेत में कथा नहीं मिलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और हनुमान जी ने प्रण किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि खूब कथा सुनो। आज भी जहां कहीं कथा होती है सबसे पीछे पांडाल में भगवान हनुमान जी महाराज एक सूक्ष्म रूप में विराजमान हो जाते हैं। और हनुमान जी ने कहा कि जब तक इस पृथ्वी पर आखिरी कथा सुनाने वाला कथावाचक कथावक्ता बचा रहेगा तब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा, उसके बाद मैं उसको छोड़कर चला जाऊंगा, तब तक मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या में रहूंगा। वही हनुमान जी महाराज भी नहीं जा पाए। और चौथे थे जांबवंत जी। इनकी इच्छा क्या थी? बोले इनकी इच्छा ये थी कि जब लंका विजय होने के बाद सारे बंदर अपने पराक्रम का अपने बल का बखान कर रहे थे कि मैंने तो 10 राक्षस मारे, मैंने तो 20 मारे, तो जांबवंत जी से सबने पूछा आपने कितने मारे? तो जांबवंत जी ने कहा कि भैया हमने तो एक ही नहीं मारा। क्यों? बोले इस पूरी दुनिया में हमसे लड़ने वाले दो ही लोग थे, एक था लंकापति रावण जिसको राम जी ने मार दिया, और दूसरे हैं स्वयं प्रभु श्री राम। तो मेरी इच्छा है कि राम जी आज मुझसे युद्ध करें और मुझे परास्त करें। तो राम जी ने कहा आप हमारे सेवक रहे हैं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इस अवतार में आपसे युद्ध नहीं कर सकता, कृष्ण अवतार में आप जिस गुफा में रह रहे होंगे जांबवान बनके वहीं पर आऊंगा आपसे युद्ध करूंगा। तो आज भगवान उन जांबवान जी से मिले। 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ महाराज, और उस युद्ध को देखने के लिए देवी देवता विमानों में सवार होकर आ गए।
पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। हाथों से हाथ बंध गए, भुजा से भुजा टकराने लगी, जान से जान टकरा गई, नाक से नाक टकराने लगी, छाती से छाती टकरा गई और भयंकर युद्ध भगवान श्री कृष्ण और जाम भगवान जी का होने लगा। 27 दिनों तक ये युद्ध चला और भगवान श्री कृष्ण ने जाम भगवान जी को परास्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अंततो गत्वा जाम भगवान जी ने वो मणि उनको दी और कहा कि इस मणि के साथ एक मणि और दे रहा हूं जिसका नाम है मेरी पुत्री जाम्बवती। भगवान ने जाम्बवती को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद वे भगवान द्वारका में लाकर उनसे विवाह करते हैं। ये हुआ भगवान का दूसरा विवाह। किनसे हुआ? जाम्बवती जी से। 17 ने देखा भगवान ने मणि लाकर दे दी है। लोगों ने कहा मेरा नाम है कालिंदी अर्थात यमुना और मैं पति रूप में द्वारकाधीश श्री कृष्ण को चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। भगवान तो विवाह का नाम सुनते ही रथ में से कूद पड़े और चल गए। भगवान श्री कृष्ण को विवाह का बहुत शौक है। भगवान श्री कृष्ण रथ में से कूदे और कहने लगे देवी तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी वो तुमको लेने आ गए हैं। ये हुआ भगवान का पांचवा चौथा विवाह। किनसे? श्याम सुंदर यमुने महारानी की। जो मनुष्य यमुना जी के नाम का कीर्तन ही कर लेता है, आप लोग दीपावली के दूसरे दिन जाते ना यम द्वितीया पे दूज पे यमुना जी का स्नान करने भैया बहन हाथ पकड़ के स्नान करते, तो यमुना जी की इतनी महिमा है कि यमुना जी में जो मनुष्य स्नान करता है उसको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती। लेकिन स्नान करने नहीं जा पाओ तो प्रतिदिन का नियम बनाओ कि जैसे नर्मदा जी के नाम का स्मरण करते हो वैसे गंगा जी के नाम का भी स्मरण किया करें और साथ ही साथ यमुना जी के नाम का स्मरण तो किया ही करें, कीर्तन किया करें यमुना जी के नाम का। जो मनुष्य यमुना जी के नाम का कीर्तन करता है भगवान श्री कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने जय यमुने जय जय यमुने। का व्यवहार निभाना है क्योंकि हम अगर इनकी भी नहीं जाएंगे तो हमारी में कोई नहीं आएगा। लोग ये सोच के भी जाते हैं चल दो भैया अपनी में कोई नहीं आएगा, तो इसलिए भगवान चलेगा। भगवान गए लेकिन यहां पर संत कहते हैं कि एक कारण यह भी था कि भगवान श्री कृष्ण के इतने शत्रु क्यों हो गए। बोले भगवान जिस शादी में जाए वहां पे कुछ ले दें तो नहीं, वहां की दुल्हने और ले आए हरण करके, तो यह भी कारण था कि इकट्ठे शत्रु हो जाए। लड़का लड़की के पक्ष के सब उनके शत्रु, जिस शादी में जाए वहां की दुल्हनी को लेकर आ जाए क्योंकि थे ही इतने सुंदर महाराज। या तो जाए नहीं, चले जाए तो कन्या कहे कि अब विवाह इनसे ही करूंगी और उन्हीं के गले में माला डाल दे। यही महाराज मित्र वृंद के यहाँ गए, मित्र वृंदा का विवाह था, मंच पे लिफाफा देने गए थे और जैसे ही उस कन्या ने ठाकुर जी को देखा तो गले में माला डाल दी और डाल दी तो भगवान ने भी एक माला वाके गले में डाल दी, तो माला डल गई तो विवाह ही गया। गंधर्व बीवी से विवाह किया, हाथ पकड़ा रथ में बिठाला और मार धाड़ करके भगवान आ गए। एक भी विवाह इनका शांति से नहीं हुआ कि कोई विवाह बैठ करके बातचीत हुई हो, लग्न पत्र का निकली हो, फलदान हुआ हो, उसके बाद घोड़े बारात आ रही हो, नहीं। आगे भगवान का एक विवाह हुआ, हाँ अयोध्या में अवध नगरी में जो विवाह हुआ वो कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ। अवधपुरी में गए थे अयोध्या में, वहां के राजा नग्नजित ने ये शर्त रखी थी कि हमारे राज्य में मेरे महल में 7 सांड रहते हैं, वो इतने भयंकर हैं महाराज कि मनुष्य की गंध भर दे, कोई मनुष्य उन सांड के पास चला जाए तो 7 मिलकर के उसको मार डालते थे। तो महाराज नग्नजित ने कहा कि जो एक बार में इन सांडों की नाक में रस्सी को डाल देगा, नाथ देगा, उसी के गले में मेरी पुत्री माला डालेगी। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, देखा सैकड़ों राजा मरे पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 7 रस्सियों के टुकड़ों को लिया, कमर पे हाथ रखा और मुस्कुराकर भगवान कहने लगे ये बड़े बड़े जो बैल हैं, बड़े बड़े जो सांड हैं, ये मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है क्योंकि मैंने तो बचपन से ही बछड़ा चराए हैं। भगवान ने कब रस्सी को लिया, कब बैलों को घेरा, कब उनकी नाक में छेद करके रस्सी को डाल दिया, कोई देख भी नहीं पाया। जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी द्वारिकाधीश की और नग्नजित ने भगवान के गले में माला डाल दी। बस यही विवाह कुछ ठीक ठाक हुआ और महाराज नग्नजित इतने प्रसन्न हुए
इतने प्रसन्न हुए कि आज भी ये नियम है कि द्वारका में रोज भले ही थोड़ा ही, लेकिन आज भी नियम है कि रोज ठाकुर जी के लिए द्वारका में अयोध्या से दहेज आता है, रोज भगवान को दहेज भेजा जाता है। होगी संसार में किसी के ऐसे ससुराल जहां से रोज दहेज आता है? हमारे गुरु जी कहते थे कि जिन लोगों का विवाह हो गया है, लगभग सभी का हुआ है, तो जब आपका नया नया विवाह होता है तो उस समय कितना सम्मान होता है ससुराल में, नए दामाद जी ये बोलते हैं, अरे अरे नए दामाद जी आए, गांव के लोग झांक के देखते हैं, गाड़ी से उतर रहे तो देखो नए जीजा जी हैं, नए दामाद जी आए, नए दामाद जी, नए दामाद जी, 6 महीना हो गए, पुराने हो गए, तो वही लोग कहते हैं कि अब नए दामाद जी नहीं, अब तो पुराने जीजा जी हो गए हैं, फिर पुराने जीजा जी हो गए, 10-20 साल आते जाते हो जाता है, तो फिर वे ही जीजा जी शादी में देख लो, एक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रूठ के बैठा होता है, जिसे कोई नहीं पूछ रहा, वो होते हैं फूफा जी, फूफा जी हर शादी में रूठे हैं, तो वे ही नए दामाद जी, पुराने जीजा जी और फिर फूफा जी हो जाते हैं, लेकिन भगवान सदैव एक से रहे, रोज वहां पर द्वारका में दहेज आता है, ये भगवान का विधिवत विवाह हुआ, एक ही विवाह बस ठीक ठाक हुआ। इसके बाद अगला विवाह भद्रा से लक्ष्मणा से, ये कुल मिला के भगवान के हो गए 8 विवाह, कल एक हुआ था, आज ये 7, कितने हो गए? 8। एक राजा ने एक बार संकल्प किया जिसका नाम था नरकासुर, भौमासुर। हमने आपको कहा था तीसरे दिन एक कथा सुनाई थी, उस कथा को याद रखना, शायद आपको याद हो कि वराह भगवान जब पृथ्वी को रसातल से निकाल कर ले जा रहे थे तो पृथ्वी को वराह भगवान का स्पर्श हो गया और पृथ्वी गर्भवती हो गई थी, उसके गर्भ में एक बालक आ गया था, पृथ्वी का बालक था, तो इसलिए उसका नाम हो गया था भौमासुर अर्थात नरकासुर। भगवान ने कहा है राक्षस है मैं इसको मार दूंगा, तो पृथ्वी ने कहा था ना अभी मत मारना, मैं जब कहूंगी तब मारना, उस दिन सुना था। आज वही भौमासुर ने संकल्प किया एक ही मंडप में 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। वो कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को मदद के लिए, सहायता के लिए करुण क्रंदन करते हुए पुकारने लगी और वही भगवान पहुंच गए सत्यभामा जी को लेकर। सत्यभामा जी कौन है जानते हैं? जैसे रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है, सत्यभामा जी भी पृथ्वी का ही अवतार है, अर्थात इस अवतार में वो जो नरकासुर है वो किसका पुत्र हो गया? सत्यभामा का। भगवान पहुंच गए उन कन्या को बचाने। मुर नाम का जो दैत्य था, मुर नाम का दैत्य दरवाजे पर खड़ा था, सुरक्षा दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र छोड़ा, उसका सर काट दिया। यही मुर नाम का दैत्य जब भगवान विष्णु को मारने गया था और भगवान विष्णु की पीठ से एक देवी निकली थी, जिस तिथि को निकली थी वो थी एकादशी और उन देवी का नाम था ग्यारस, बस वही एकादशी देवी या 11 तिथि कहलाती है, पर विष्णु जी ने उसको छोड़ दिया था। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र छोड़ के उसको मारा। मुर नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान द्वारकाधीश का नाम पड़ गया मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुर नाम के शत्रु के जो मुर नाम के दैत्य के जो अरी हैं, शत्रु हैं, उनका नाम मुरारी। भौमासुर भगवान से युद्ध करने आया, भगवान ने इसलिए नहीं पढ़ा कि कोई भी पिता अपने पुत्र का शत्रु नहीं होता, भगवान उसके शत्रु नहीं थे, उद्धार किया था। ये भगवान ने सुंदर लीला की, कन्याओं से कहा कि तुम चली जाओ, जाकर के अपने महलों में रहो। कहने लगी नहीं, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, आपको ही हम पति रूप में चाहती हैं। भगवान ने कहा द्वारका में चले जाओ। भगवान ने अलग अलग 16,100 मंडपों में एक ही मुहूर्त में
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा धीरे लगाओगे तो ऐसी लाइट बार बढ़ जाएगी, जोर से जयकारा लगाया कर। बिजली विभाग वालों को मालूम तो हो गया कथा चल रही है यहाँ की, लाइट गोल नहीं करना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या निवेदन कर रहे थे? 16,100 विभाग की कथा कह रहे थे। भगवान के 16,100 विभाग कैसे हुए ये हम श्रवण कर रहे थे। भगवान ने उन कन्याओं से कहा द्वारका पहुंचो। 16,100 कन्याओं से अलग अलग मंडप में एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। गौधुली बेला में ही भगवान ने विवाह कर लिया एक साथ। इतने 16,100 रूप बना करके ये 16,100 वो 8 कितने हो गए 16,108 और ये है हमारे ठाकुर जी के ठाठ जो 16,108 विवाह करने के बाद भी मुस्कुराता रहे वो भगवान है। जो भगवान ऐसे काम कर दे जिनकी कॉपी नहीं हो सके महाराज, भगवान श्री कृष्ण ऐसे अदिति काम करे इसको कहते हैं अति मानुष चरित्र। ध्यान से सुन लीजिए, भगवान ने विचार किया था कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हो जाएंगे कि रोज नए नए भगवान पैदा होंगे। टीवी पर एक भगवान अभी बीच में पैदा हो गए थे ना, निर्मल बाबा को यही था बेवकूफ। उसने कहा कि शंकर जी को मंदिर में फेंकाओ तो कृपा आएगी, तो मैयाएं फेंक आए। माताओं टीवी के सामने बैठी हो, हाँ बैठ गई, तो बोले अपने अपने पर्स को खोल लो कृपा टीवी में से आएगी, तो बैठ गई बेचारी। ऐसे रोज नए भगवान पैदा हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अति मानुष लीला करे, जो 7 साल की उम्र में 7 कोस के पर्वत को 7 दिन 7 रात तक उठाकर रखे, 7 दिन भूखा प्यासा रहकर, वो भगवान हो। और जो 16,108 विवाह करके भी मुस्कुराता रहे और पूरे पृथ्वी का पालन पोषण करे वो भगवान है। राम जी ने भी बताया कुछ लीलाओं में, लेकिन जितनी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने करके बताई उतनी राम जी ने नहीं करी। आप लोगों ने सुनी होगी, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, राम जी ने कौन सी सबसे बड़ी लीला करी थी जो अति मानुष थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीला कौन सी थी जानते हैं? वो थी जो उन्होंने राम सेतु बनवाया था, समुद्र के बीच में जो पुल बना दिया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, ध्यान से सुन लो, वो जो सेतु जिसको हम राम सेतु कहते हैं उसका नाम राम सेतु है ही नहीं, और वो सेतु भी राम सेतु नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। भारत और श्रीलंका का नक्शा देख लो, एक छोटी सी रेखा बनी होती है। असली जो पुल राम जी ने बनवाया था, नल नील ने बनाया था, वो 12,000 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा था, वाल्मीकि रामायण में लिखा। और पुल बन के जब तैयार हो गया तो उसके बाद राम जी ने कहा कि इसका नाम क्या रखा जाए, इसका उद्घाटन करा जाए। तो उस समय हनुमान जी ने कहा प्रभु इसका नाम क्या रखें, तो राम जी ने कहा इसका नाम वो रख दो जिस इंजीनियर ने इस पुल को बनाया उसी का नाम रख दो, अर्थात नल सेतु उसका असली नाम है, राम सेतु है ही नहीं। और भगवान श्री राम जब लंका से लौट कर आ गए विभीषण को विदा करके दोबारा, तो भगवान ने अपनी लात से एक जोर से प्रहार किया, पूरा पुल समुद्र में चला गया, असली पुल तो समुद्र में है, उसका नाम था नल सेतु। तो राम जी ने एकाध दो ही लीला ऐसी करी, माँ की तो बेचारे जंगल में भटकते रहे राक्षसों को मारा, लेकिन कृष्ण भगवान ने बार बार अति मानुष लीला करके बताई कि जो ऐसी लीला करे उसका नाम भगवान हो। वही भगवान अति मानुष लीला करने लगे। कालांतर में एक दिन की बात है, जरासंध ने सैकड़ों राजाओं को बंदी बना लिया था। ध्यान से सुनना इस बात को, इसमें बेहद महत्वपूर्ण श्लोक आएगा, चाहो तो उस श्लोक को रिकॉर्ड कर लेना, चाहो तो लिख लेना, नहीं हो तो बाद में लाइव कथा को पुनः प्रसारण को सुन लेना, उसमें मिल जाएगा। राजाओं को बंदी बना लिया, राजाओं को जब बंदी बना लिया, कल्याण नाम की पत्रिका में इसका चित्र कई बार आता है, आप लोगों ने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के कैद से उन राजाओं को मुक्त किया था। उन राजाओं ने बंदी गृह में ही बैठे बैठे एक श्लोक भगवान के लिए बोला था, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक जो श्रीमद् भागवत में है, श्लोक इतना दिव्य है महाराज, इस श्लोक से आप अपनी जिस मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को खरीद लीजिए, 100 रुपए की पुस्तक इतनी बढ़िया है। मूल ग्रंथ लेने के बाद महाराज, इसमें केवल संस्कृत ही संस्कृत है, और लेने के बाद उस ग्रंथ को पीले कपड़े में लपेट करके रख लें, जमीन पर सुंदर गोबर का चौक बनाए, लीपने के बाद आटे या हल्दी से, वैसे चौक जो माताएं बनाती है ना, एक बात और सुन लें, कभी भी आटे से चौक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आटे से चौक बनाते हैं और जब चौक को समेटते हैं तो थोड़ा बहुत आटा जमीन में लगा रह जाता है और अन्न का निरादर होता है। इसलिए किसी भी पूजन पाठ में हल्दी का चौक बनाना चाहिए, हल्दी का चौक में अगर हल्दी रह भी जाएगी तो भूमि का ही रस है उसमें चला जाता है।
चौक बनाने के बाद पटे पर पीला कपड़ा बिछाएं, श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को रखें, तुलसी जी का एक सुंदर सा गमला रख लें, और या तो मूंगफली दाने से कर लो या तो तुम्हारी गुरु मंत्र की माला हो उससे, इसी मंत्र से, इसी श्लोक से कृष्णाय वासुदेवाय ओम, इसमें उच्चारण नहीं किया जाता, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुछ लोग उच्चारण में प्रणत क्लेश नाशाय बोलते हैं, लेकिन भागवत जी में लिखा है इस श्लोक में विसर्ग नहीं है। यह श्लोक तो इतना दिव्य है कि आप लोगों को अपने अपने घरों में इस श्लोक को लिखवा देना चाहिए। जो मनुष्य यह श्लोक लिखवा करके अपने घर में रखता है और धूप दीप से इस श्लोक का ही पूजन कर देता है तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का पूजन मान लिया जाता है, ऐसा दिव्य श्लोक है। इस श्लोक से माताओं को तो परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, कोई भी नया कार्य करने जाओ, बड़ा कार्य करने जा रहे हो, इस श्लोक को उच्चारण करके जाना चाहिए। आप लोगों ने एक महाराज जी का नाम सुना होगा, पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव देवराहा बाबा, देवराहा बाबा यही श्लोक बोलते थे कि बच्चा कल्याण चाहिए, हाँ बाबा कल्याण चाहिए, तो बच्चा ये श्लोक जपो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। ये तो कोई कथा में आज समय की मर्यादा है, वरना मैं अपने जीवन की बहुत सी बातें आपको बताऊं कि जब मैंने इस श्लोक का उच्चारण किया और उसका अनुभव भी करा कि कष्ट से कैसे हम छूटे, शारीरिक कष्ट से लेके मानसिक कष्ट भी अगर तुम्हारे जीवन में है तो किसी को मत बताना वो कष्ट। अपने ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर उस दिन भी कहा था कि हाथ जोड़कर भगवान से कह देना कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रथम स्कंद का श्लोक, इसको नहीं कर पाओ तो सर्वोत्तम उससे भी श्रेष्ठ यह श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस इस अनुष्ठान को करने का यही नियम है, निरंतर 11 दिन इस अनुष्ठान को करना चाहिए, ठीक समय पर जिस दिन आप प्रारंभ करें रोज उसी समय पर करें, क्योंकि जिस दिन हम अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं जिस समय पर, तो रोज देवी देवता उस समय पर आकर बैठते हैं, इसलिए समय अपने अनुसार आगे पीछे के अनुष्ठान में नहीं करना चाहिए, ठीक समय पर अनुष्ठान करें। जो व्यक्ति इस अनुष्ठान को करे वही सारी व्यवस्थाएं करे, अपने हाथ से ही चौका लगाए, अपने हाथ से ही वहां पर लीपे, अपने हाथ से ही चौक बनाए, स्त्री हो या पुरुष, परिक्रमा करने के बाद सूर्य अस्त के पहले परिक्रमा कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाएगा तो तुलसी जी को उठा के नहीं रख पाएंगे स्थान, चाहे तो अपने लड्डू गोपाल को भी तुलसी में रख लो, और मौन रह कर कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज का मूल है श्लोक, इसको कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको प्रारंभ कर दीजिए। कब तक अपनी कुंडलियां दिखाएंगे, कब तक ग्रहों के चक्कर में पड़ोगे, दिखाओ मना नहीं है, करो जब तक पूजन पाठ, लेकिन कुछ ऐसा भी कीजिए कि जिसमें जीवन के कल्याण के साथ आत्म कल्याण भी हो। केवल इसी श्लोक को अगर रोज तुम पाठ करोगे तो रोज संपूर्ण श्रीमद् भागवत के पाठ करने का फल मिलेगा। घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका शरीर छूट रहा है और उसको कुछ नहीं सुना पा रहे, तो उसके कान में यही श्लोक सुना दो, अपने अपने बच्चों को यह श्लोक याद करा दो और कह दो कि जिस दिन हम मरेंगे तो हमको यह श्लोक हमारे कान में बोल देना, बस यही हमको चाहिए। इस श्लोक की महिमा बताई, राजाओं को भगवान ने मुक्त किया, कालांतर में भगवान के विनोद का प्रसंग आया, भगवान ने रुक्मण जी के साथ विनोद किया, अब प्रश्न किया कि देवी तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया, हम तो माखन चुराते हैं, हम तो छलिया हैं, हम तो रणछोर हैं, लोग हमें काला काला मुरली वाला टेढ़ी टांग वाला बोलता है, तुम चाहती तो शिशुपाल से विवाह कर लेती। तो रुक्मणी जी रोने लगी कि अब बच्चे हो गए हैं और उसके बाद कह रहे हैं हमसे विवाह क्यों कर लिया। भगवान कहने लगे हाँ देवी सही कह रहा हूँ, अभी भी चाहो तो कहीं और विवाह कर लो। प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिरने लगी, भगवान ने चतुर्भुज रूप लेकर रुक्मणी जी को धारण कर लिया है और हवा करने लगे हैं कि देवी मैं तो तुमसे विनोद कर रहा था। भगवान बता रहे हैं पति पत्नी के बीच में गृहस्थ में थोड़ा विनोद भी होना चाहिए, मनोविनोद होता रहे, ऐसे हंसते खेलते हुए सुख दुख के साथ जीवन व्यतीत होना चाहिए। रुक्मणी जी जब होश में आई तो कहने लगी मोहन से दिल क्यों, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगा
बोलिए रुक्मिणी वल्लभ लाल की। बात निराली है उनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाकर कहें श्री राधे। उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, मैं ये जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं
तो रुक्मणी जी ने कहा, ये तो भवन आप ही जानते हैं और मैं ही जानती हूं कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया है। भगवान ने सुंदर विनोद किया। इसके बाद सुंदर कथा को सुनाने लगे। ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत में आज विश्राम दिवस की कथा में एक और महत्वपूर्ण जो प्रसंग है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र खेल रहे थे और खेलते खेलते उन बालकों की गेंद कुआं में गिर गई। गेंद कुआं में गिर गई, बच्चे उस गेंद को देखने लगे कुएं में। झांक कर देखा कुएं में तो बच्चों ने देखा गेंद तो कुएं में पड़ी है, लेकिन उसी के साथ एक बड़ा सा भयंकर जीव जिसको क्रकलाश कहते हैं, अर्थात हिंदी में गिरगिट कहते हैं, बड़ा सा एक गिरगिट बैठा है, क्रकलाश। बच्चे डर गए, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। पिताजी पिताजी जल्दी चलिए, हमारे आंगन में जो कुआ है ना, उस कुएं में अब कोई जीव रहता है। भगवान आए, मैं देखता हूं। भगवान आए, झांक कर देखा, ये बड़ा सा क्रकलाश जीव, रंग बदलने वाला गिरगिट। भगवान ने उसको देख लिया, देखा भगवान ने उसको निकालना चाहा, जैसे ही अपने हाथ को भगवान ने बढ़ाया, कुएं में जल अधिक था, थोड़ा ही हाथ बढ़ाना पड़ा। जैसे ही भगवान ने उसको निकालना चाहा, उसकी पूंछ को पकड़ा, उछाल कर बाहर किया, तो एक राजा के रूप में परिणित हो गया। भगवान ने देखकर आश्चर्य किया कि हे दिव्य आत्मा, आप कौन है और इस नीच योनि में आप इस कुएं में क्या कर रहे हैं? तो उस गिरगिट ने जो राजा के रूप में परिवर्तित हो गया था उत्तर दिया, नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। हे भगवान श्री कृष्ण, में इक्ष्वाकु वंश का एक राजा महाराज नृग हूं। कौन? महाराज नृग। जिन्होंने रघुवंशन नाम का ग्रंथ का पाठ किया होगा, उन्होंने इक्ष्वाकु वंश का भी अध्ययन किया होगा। राम जी के वंश का हूं, तो राम जी के वंश का प्रतापी राजा और महाराज नृग। भगवान ने कहा, आपके विषय में तो ऐसा सुना जाता है कि जितनी वर्षा की बूंदें आज तक पृथ्वी पर नहीं गिरी, जितनी बूंदें नहीं गिरी होंगी उससे ज्यादा तो तुमने गैया दान करी है। जी हां, कितनी वर्षा की बूंदें गिर गई होगी पूरे ब्रह्मांड में? जितने तारे आकाश मंडल में नहीं होंगे उससे कई गुना ज्यादा तुम गैया दान कर चुके हो, क्या तुम वही नृग हो? बोले हाँ, मैं वही हूं। तो इतनी गैया दान करने के बाद भी तुम इसी नीच योनि में कैसे पड़े? तो वो कहने लगा, हे भगवान श्री कृष्ण, एक बार मैंने दो ब्राह्मणों को 1,000 गैया दान करी। गैया दान करने वाक्य के विषय में यहां भागवत पुराण में, ध्यान से सुन लो, गैया दान करने की विधि क्या? महाराज नृग कह रहे हैं कि मैंने जब गैयाओं का दान किया तो ऐसी वैसी गैया नहीं, कपिला गौ जो सर्वश्रेष्ठ होती दान करने के लिए, दूध देने वाली बछड़ा या बछिया के सहित, और ऐसे ही नहीं, उसके सींगों को मैंने सोने से मढ़वाया, खुरों को चांदी से मढ़वाया, सुंदर छत्र चवर वस्त्र के साथ और जीवन भर के अनाज और भूसे दाने के साथ गैया का मैंने दान किया। ऐसी 1,000 रोज गैया में दान करता था। बताओ ऐसे गैया दान करता होगा? कपिला गैया। गौ दान करने के विषय में तो आज के समय देखा जाता है कि आपको घर में करुण प्राण कराए लोगों ने, ब्राह्मण तो सभी जगह जाते हैं, देखते ही। गौ दान लोग कैसे करते हैं? पितृपक्ष में, पिंडदान में, रसोई के कार्यक्रम में जो पूजन होता है गंगा जली का, उसमें गौदान कैसे करते? बोले हाथ में पैसा लिए, सुपारी सिक्का चावल फूल जल लिए और गौदान का संकल्प हो गया। तो ध्यान से सुन लीजिए, इस तरीके का जो गौदान है वो किसी काम का नहीं है, वो व्यर्थ है। इससे तो अपने जीवन में 1 गौदान कीजिए, लेकिन स्वयं जाकर के 1 गैया पसंद कीजिए। पसंद करने के बाद देखिए कि दूध देती है कि नहीं, सीधी गैया है कि नहीं। जिसको हम दान कर रहे हैं उस गैया को वो बेच तो नहीं देगा, उसका पालन तो कर लेगा। उसके बाद संकल्प करते हुए गैया का दान करें और ऐसे उसकी विधि बताई गई। सुन ली, गरुण प्राण तो सभी सुन चुके होंगे। गरुण प्राण को तुम ऐसे समय सुनते हो जिस समय तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा होता है, घर में जब कोई शांत हो जाता है। गरुण पुराण 350 रुपए का ग्रंथ आएगा, लाओ और पढ़ो। लोग कहेंगे ऐसे समय में पढ़ सकते हैं क्या? तो पढ़ सकते हैं, अध्ययन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। और जो लोग गरुण पुराण को ऐसा ग्रंथ मानते हैं कि सूतक काल में पढ़ा जाता है, तो सुन लीजिए, आपको आश्चर्य होगा। रोज सुबह आप पूजन करते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर पर जल छिड़कते हैं, तो मंत्र कौन सा बोलते हैं? ओम मां पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरः शुचिः। ये जो पूजन का पहला मंत्र शरीर को शुद्ध करने के लिए बोला जाता है, ये गरुण पुराण में से ही निकला है। अब बताइए, हमारी पूजन का पहला मंत्र ही गरुण पुराण का।
ऐसा दिव्य पुराण है। उसमें वर्णन आया है कि गैया खरीद करके सुंदर गैया ब्राह्मण को दान करना चाहिए, और करने के पहले गैया का पूजन होता है। सबसे पहले गैया के सींग का पूजन, आंखों का पूजन, मुख का पूजन, या पूरी गैया का एक साथ पूजन करा दो, थनों का पूजन, गैया की नाभि का पूजन, गैया के पृष्ठभाग का पूजन, पूंछ का पूजन, रुओं का पूजन, खुरों का पूजन, गल कंबल का पूजन, उसके कुबड़ का पूजन, फिर ऐसी बछड़िया बछिया का पूजन। उसके बाद संकल्प किया जाता है, यजमान संकल्प करने के बाद ब्राह्मण के हाथ में संकल्प देता है, उसके बाद गैया का दान करता है, गैया की पूंछ पकड़ के ब्राह्मण को पकड़ाता है, सिर पे उससे आशीर्वाद लेता है, और वर्ष भर का अनाज गैया के लिए दिया जाता है, गैया के लिए बर्तन, गैया के लिए वस्त्र, ब्राह्मण के लिए वस्त्र, और फिर गौदान होता है। अब बताओ 2-4-500 रुपए में तुम्हारा पीछा छुड़ा रहे हो कि गैया दान कर रहे? मत करो, ऐसे दान की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मत कीजिए, पर करिए तो एक दान ऐसा करिए, आप लोग आपके परिवार में देखें कि हमारे बच्चे करेंगे कि नहीं हमारे मरने के बाद, तो अपने जीवित रहते रहते एक गैया का दान अपने जीवन में करो। है कोई गुल्लक या है कोई सेविंग अकाउंट तुम्हारा ऐसा जिसमें तुम अपने कल्याण के लिए कुछ जोड़ रहे हो, गैया के दान के लिए जोड़ रहे हो? गैया को तो हमने धुतकार के निकाल दिया हमारे जीवन से, गैया का दान कीजिए, आपको जान के आश्चर्य होगा। सत्यनारायण भगवान की भी कथा कराई जाती है तो उसके बाद भी गौदान किया जाता है। पहले लोग साल साल 5-5 साल में एक बार एक सत्यनारायण कथा कराते थे और गौदान करके अन्नदान करते थे। हम ये इसलिए नहीं करें कि ब्राह्मण को दीजिए, लेकिन जो विधि है वो सुन लो। सत्यनारायण कथा के बाद भी गौदान का महत्व बताया गया, नहीं कर सको तो अपने जीवन में एक गैया अपने पूर्वजों के लिए ऐसे दान करना चाहिए। गांव के लोग यहां बैठे जानते हैं कि गांव में जब बाढ़ आती थी तो उस समय सबसे पहले गांव के लोग अपने गैया जानवर खोल देते थे। ज्यादा बाढ़ आ जाती थी तो उन लोगों ने करके भी देखा होगा, तो आपने तो गैया पाली भी है। गैया को जब छोड़ा जाता था, गैया नदी में कूदती थी तो मालिक भी नदी में कूदता था और गैया की पूंछ पकड़ लेता था। तैरना नहीं आ रहा हो तो, या बहाव ज्यादा हो, गैया की पूंछ पकड़ता रहा तो गैया की आदत थी कि पूंछ पकड़ ली तो गैया पलट के पीछे देखती थी इसने पकड़ ली है, और फिर गैया तैरती थी। गैया इस नदी से भी पार कराती है और वैतरणी से भी पार कराती है। और भैंस को देख लो, जिनने भैंस पाली, भैंस जब नदी में कूदती है तो महाराज गोचा खाती है, तभी कहावत है ना, गई भैंस पानी में कोई। इसलिए गैया की पूंछ पकड़ के रहोगे, गैया की पूंछ पकड़ के गैया का दान करोगे तो अपना कल्याण के साथ अपने कुल का भी कल्याण करोगे। या तो दान मत करो, और करो तो विधिवत करो, फॉर्मेलिटी भगवान के साथ नहीं चले। दान की महिमा बताने लगा वो राजा, तो भगवान ने पूछा 1-1 हजार गैया विधिवत दान करता था फिर क्या हो गया तुझे, गिरगिट कैसे बन गया? तो कहने लगा, महाराज बात ऐसी है प्रभु कि एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को 1,000 गैया दी, अगले दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को गैया दे दी, एक गैया लौट करके मेरे घर वापस आ गई। वो ब्राह्मण गैया वापस लेने आया, दूसरा ब्राह्मण भी उसी गैया को लेने आया, दोनों आपस में झगड़ने लगे। मैं निर्णय नहीं कर पाया, ब्राह्मणों ने मुझे कहा तू निर्णय नहीं कर पाता, बात बदलता है रंग बदलने वाला, गिरगिट हो जा, इसलिए सोच समझ के दान करिए। दान भी हम किसे करें? आप लोग अपने जीवन में एक दान करते हैं ना, कन्यादान, तो क्या हर किसी के हाथ में अपनी लड़की का हाथ पकड़ा देते हैं? देखते हैं जो हमसे भी उत्तम है, ऊंचा है, उसको अपनी कन्या देंगे। ऐसे ही किसी भी चीज का दान कीजिए। आज ही सुबह में जब कुछ अध्ययन कर रहा था सुबह सुबह, तो दान पर मुझे बड़ी अच्छी चीज मिली। आप किसी गरीब आदमी को कंबल देते हैं ठंड में, रोड किनारे कोई भूखा बैठा है उसको रोटी खिला देते हैं, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का भार आपने जीवन में उठा लिया है, तो ये सब आप कर रहे हैं, तो ये सब परोपकार में आता है, लेकिन दान का फल आपको इसके बदले नहीं मिलेगा। दान माने उन चीजों का दान जो शास्त्रों में बताया गया, और किसको बोले जो हमसे श्रेष्ठ को दिया जाए, अर्थात ब्राह्मण को, साधुओं को, गौ माता को, या तीर्थों में दिया जाए, वही दान दान कहलाता है। परोपकार करने से आपके लिए समाज में ताली बज जाएंगी, मंच पे फोटो खिंच जाएगी, आपकी जय जयकार हो जाएगी, लेकिन उससे आप अगर सोचो मैंने कंबल दान किए थे और स्वर्ग जाऊं, तो वो वहां पर आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। और इतनी सुंदर बात आज सुबह मुझे मिली ग्रंथ में कि दान अगर करना हो किसी को, पूज्य बरसाने वाले बाबा, प्रिया कुंज वाले बाबा जी, विनोद बाबा कह रहे थे प्रवचन में कि दान अगर किसी को करना है तो सबसे उत्तम दान है उसको चैतन्यता का दान कर दो। किसी को रुपया दे दोगे, पैसा दे दोगे, तो उससे वो आवश्यक नहीं कि उस पैसा को भगवान में लगा के कल्याण कर ले। मदरा पीने वाले को पैसा दे दो, मदरा पी लेगा, दान तुम्हारा व्यर्थ होगा। कंबल ओढ़ने को दे दिया, ओढ़ लेगा, जब
काम का नहीं देगा, फेंक देगा। लेकिन अगर आपने किसी को ज्ञान का दान कर दिया, उसको चैतन्य कर दिया, अर्थात उसको कथा सुना के भगवान से जोड़ दिया, तो आपने उसके जीवन में उसके लिए सर्वश्रेष्ठ दान कर दिया है। यही दान उसको भगवान के पास ले जाएगा। कोई दान नहीं कर पाओ तो मीठी वाणी बोल करके भगवान से किसी को जोड़ दो, मन आपसे कुछ नहीं बनता। कोई व्यक्ति परेशान है, उसको भगवान के मंदिर ले जाओ और कहो कि यहां पर बस आके माथा टेका कर, चैतन्य कर दो, एक एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दो, यही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया। एक रुपया ढेला नहीं लगेगा, दान भी हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ दान है वाणी का दान, सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान का दान और भगवान से जोड़ने का दान। राजा नृग ने भगवान को एक कथा सुनाई और भगवान ने उसको स्पर्श किया, वो अपने धाम चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज नृग के इस विषय को देखा, इस लीला को देखा, तो अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों आज मैं तुमको एक बहुत दिव्य बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि किसी की नहीं मानो तो भगवान श्री कृष्ण की मान लो। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई मनुष्य अगर हलाहल विष पी जाए, जो विष शंकर जी ने पिया था, कोई मनुष्य को अगर शेर शीर फाड़ कर खा जाए तो भी मैं उसको बचा लूंगा, विष पी ले तो भी बचा लूंगा। लेकिन अगर भूल वश भी कोई मनुष्य ब्राह्मण के धन का हरण कर ले या गौ के धन का हरण कर ले तो मैं योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक संख्या 33 है अध्याय 65 यहां पर भगवान कह रहे हैं ना हम हाला हल मन्ये विषम प्रतिक्रिया ब्रह्मस्तम ही विषम प्रोक्तम नास्या प्रति विधर भुवि। अगर भूल बस भी ब्राह्मण के धन का हरण कर ले तो मैं योगेश्वर श्री कृष्ण भी उसको नहीं बचा सकता। ये दान के विषय में कहा गया। ये हम ब्राह्मण इसलिए महिमा मंडन नहीं कर रहे, लेकिन पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं योगेश्वर श्री कृष्ण भी ब्राह्मणों के धन को हरण करने से डरता हूं, क्योंकि ब्राह्मण स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, ब्राह्मण स्वयं का ही पहनता है, स्वयं का ही खाता है। परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को दे दिया था भोगो, लेकिन ब्राह्मणों ने सभी में दान कर दिया कि हम अकेले नहीं, ये पूरी प्रजा हमारे साथ भोगेगी। इसलिए सदैव ब्राह्मण का सम्मान करिए, संतों का सम्मान कीजिए। भगवान ने बताया, ये तो दान देने वालों के विषय में बताया गया। श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही हमको दान करना चाहिए, जो यज्ञ जनेऊ पहने, जो चोटी रखे, जो गायत्री करे, संध्या करे, पुराणों का स्वाध्याय करे, गौ की सेवा करे, ऐसे ही ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये दान देने वालों के विषय में और लेने वालों के विषय में भी कहा गया है, अर्थात हम लोगों के विषय में। किसी से भी दान लो तो उचित भजन करना चाहिए। कोई व्यक्ति अपना दान अगर दे रहा है, तुला दान करा रहा है, अपनी अला बला सबकी सब, एक माता जी हम गए थे किसी घर, एक गैया को रोटी देने गई तो बाहर चले गई आंगन में, फिर लौट के भीतर आई तो लड़का के सिर पर से 3 बार रोटी घुमा ली, पति के सिर पर से घुमा ली और सबके सिर पर से घुमाई, फिर अपने सिर पर से घुमाई गैया को। तो हमने बोला माता जी ये इसका क्या मतलब हुआ, तो बोले वो सबकी अलाय वलाय मैंने गैया है दे दी। सारी अलाय वलाय ब्राह्मणों के पास अगर आ जाती है दान के रूप में तो ब्राह्मण को नियमित रूप से गायत्री करना चाहिए, जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन जप तब पूजन करना चाहिए। अगर ब्राह्मण भजन नहीं करे, दान लेता ही लेता है, तो उसके विषय में कहा गया है दान मान को टूकरा जाके 9-9 इंची दांत, भजन करोगे तो पचेगा नहीं फाड़ेगा आंत। बड़े बड़े लोग आपने देखे, लेकिन देखा कि खूब पूजन पाठ करते थे, दान भी बहुत लेते थे, लेकिन अंत समय में ऐसा शरीर से कोई जगह ही नहीं बची जहां पर सुई इंजेक्शन ना लगा,